हूँ मेरे नौजूद ने जी प्राची दहलान मूवी की बड़ी क्यूट त बड़ी लंबी कुछ सत्या प्राची सत श्रीकाल टू चैनल पंजी पह थैंक यू सो मच पहले तो थोड़ा मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी किइट बहुत सोहनी है मैं भी चाहती थी कि हे रबा थोड़ी जी हाइट होर थोड़ी जी थोड़ी <laughs> <laughs> चलो नैक्सट लग रहे हो जा रहे ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਆਪ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆ ਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਡੈਲੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ तो आ, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ तो पंजाबी हमेशा समझ में तो आती ही थी आ, तो बट बोलना क्योंकि मेरी वो लैंग्वेज नहीं है बट मेरे टीचर हैं यहाँ पे मोहन जी वो मुझे रोज़ कम से कम तीन से चार घंटे की क्लास देते हैं जिसमें मैं अपने डायलॉग्स लर्न करती हूँ मेरे साथ पंजाबी में बात करते हैं और आ, मैं हालांकि मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हैव बीन अ नेशनल प्लेयर तो मैं इंडियन टीम की कैप्टन थी कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ <laughs> गेम्स में इंडियन टीम की कैप्टन थी उसमें मेरी चार लड़कियां थी मेरी टीम में जो पंजाब की थी और कुछ हो जाए बेशक लड़की साउथ की हो नॉर्थ की हो वेस्ट की हो ईस्ट की हो पंजाबी कुड़ियाँ नू ना सिर्फ पंजाबी बोलनी है <laughs> वो किसी और में बात करेंगी ही नहीं तो वहाँ से भी मुझे थोड़ी थोड़ी यू नो आदत पड़ गई थी ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਛੜਕਾਂ ਛੁੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਕੋਕੀ ਇੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਛੜਕਾਂ ਛੁੜਕਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਾਉਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿ ਮੂਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨੇਮ ਫੇਮ ਵਾਲ थोड़ी सी लंबी स्टोरी है अगर मैं शेयर करूं तो थोड़ा जो छोटा ठीक <laughs> है छोटे में शेयर करते मैं एक्सेंचर के साथ काम कर रही थी खेलना तो मैंने 2011 में छोड़ दिया था और स्टार प्लस ने मुझे अपने एक बहुत ही फेमस शो दिया बाती के लिए अप्रोच किया था जनवरी में तो जनवरी से नवंबर तक अभी दिया बाती बहुत ही फेमस शो है ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखते हैं अभी सेप्टेम्बर में ख़त्म हुआ है तो मैंने सोचा वाई नॉट एक्सप्लोर तो मैंने साउथ एक्सप्लोर किया साउथ की मैं एक फिल्म कर रही हूँ अभी पंजाबी फिल्म शुरू हो गई है तो एक ही साल में मैं सीरियल से लेकर एड्स से लेकर रैम शोज से लेकर अभी मैं मूवी भी कंप्लीट कर ही लूँगी सो आई थिंक ये डेस्टिनी है जो मैं यहाँ पर आई क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं जो इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं पर मैंने कभी यू you नो know, मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं थी कि मैं आऊँ इंडस्ट्री में ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने कम टाइम में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इस इंडस्ट्री में लोग बेचारे इतने इतने सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं और जो ये कैरेक्टर है वो बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं है जो निम्मी है जिसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं है सो so, एंड uh, बहुत ही बबली थोड़ी कनिंग क्यूट एंड वेरी शार्प क्लेवर दिखाई है सो आई होप ऑडियंस को पसंद आए और uh, uh, ਚੈਲੈਂਜਿੰਗ ਤਾਂ ਥਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੇ ਲੀਏ weight ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਡਾਂਸ ਕਭੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਝੇ ਟੋਟਲ ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਬੀ ਤਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾ ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ सीख मिलता है या कि रहा है कई बार हो जाता यार मैं बिल्कुल नवी हूँ कुछ मतलब डर भी लगता है कि जो उन्होंने झूठ नहीं बोलूँगी मैं थोड़ी सी तो नर्वस हूँ क्योंकि सारे ही इतने बड़े और आ, आ, यू नो जान इतने सारे फेमस एक्टर्स हैं पंजाबी इंडस्ट्री के और बहुत ही मुझे अच्छा लगा सुबह हम पूजा कर रहे थे गुरुद्वारे में हम बैठे हुए थे तो मैं बी शर्मा जी से पहली बार मिली और सरने का सर ने हाथ मिलाया सरने का हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं तो मैं हाँ तो सर भी देखते थे दिया और बाती हम एंड ही अप्रिशिएटेड माई कैरेक्टर और उन्होंने बोला आप बहुत हार्डवर्किंग हो जो आप एक्टिंग बैकग्राउंड से भी नहीं आ रहे पर आपकी कैरेक्टर को हमारे घर में सब बहुत पसंद करते थे तो एक मोटिवेशन मिलती है तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे आज पहला दिन है अब कैसे दो महीने निकलते हैं पता ही नहीं लगेगा एक शेड्यूल यहाँ पर है दूसरा मलेशिया में है दिसंबर में So looking forward to it i am anyways very hard working to usme meri taraf se to koi kami nahi rahegi main to apna full out dene wali hu kyunki mera pehli opportunity hai and i want to entertain audience so let's see <laughs> okay, uh, so apne fans nu jande jande ki kehna chahunga ki prachit halan nu kyon vekhn movie de vich aj extraordinary ki oh apne kirdaar de vich nibare ne आ, निम्मी का जो किरदार है वो बहुत ही चुलबुला है बहुत ही आ, टिपिकल पंजाबी कुड़ी है जो बाहर से आ, इंडिया आती है और कैसे वो लड़कों को फंसाती है और फिर उसको प्यार हो जाता है और आ, आ, प्राची को आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो कैसे उसकी जर्नी थी बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन टू बीइंग अ कॉर्पोरेट वुमेन एंड नाउ एन एक्ट्रेस और सीरियल से लेकर अब मूवी uh, तो आई एम श्योर मेरे जितने भी फैंस ये देख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे काफ़ी सारी विशेज आ रही हैं सुबह से फेसबुक पे कि यू नो विश यू लक एंड होप यू यू नो सक्सीड इन वॉड यू डू इन लाइफ तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर एनकरेजमेंट थैंक यू सो मच एंड जरूर देखिएगा अर्जन एक एक पंजाबी दे बिच बोल के दस दो आप अपने फैन ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਕਿਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਿਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਮੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਸੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ चलो इतना कह दो चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों मेरा बहुत सारा प्यार चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्श दर्शकों मेरा प्यार थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर होल लाइफ थैंक यू सो मच